आप देख सकते हो किस तरीके से संगीत सोम का विरोध किया जा रहा है। संगीत सोम का विरोध, ये हाँ संगीत सोम का विरोध दुराड़ा गाँव में भरपूर तरीके से दुराड़ा गाँव में संगीत सोम का विरोध। नमस्कार आदाब दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें बीजेपी नेताओं का भयंकर तरीके से जनता ने विरोध करना शुरू कर दिया है। 3 और दिग्गज नेता और मंत्री को किस तरह से गांव में जब वो वोट मांगने के लिए पहुंचे थे तो जनता ने उनको दौड़ाया है, इसके छोटे से वीडियो क्लिप मैंने पहले आपको दिखाए हैं। 3 जब आगे वीडियो आपको दिखाएंगे तो आप खुद देख पाएंगे कि किस तरह से यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर दोस्तों आ रही है उत्तर प्रदेश से ही, जहां पर एक दरोगा ने अपना इस्तीफा देते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पोल खोलकर रख दी है। किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर रखी हैं। उसमें तमाम पार्टियां अपने अपने जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन बीजेपी को यहां पर बड़ा झटका लग रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी वोट मांगने के लिए पहुंच रहे हैं तो जनता उनको किस तरह से सबक सिखा रही है, किस तरह से उनका विरोध कर रही है, किस तरह से जूते चप्पल मार रही है, आगे इसके वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहला जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये वीडियो बुलंदशहर का है, जहां पर बताया जा रहा है कि बीजेपी के नेता सांसद महेश शर्मा को लोगों ने किस तरह से दौड़ाया है, उनको मुर्दाबाद के नारे लगा करके उनका विरोध किया है। पहले उसका वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसकी सच्चाई आपको बताते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये पहला वीडियो देखा, ये वीडियो बुलंदशहर का है, बुलंदशहर नोएडा सांसद महेश शर्मा के सामने ये बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। मोदी सरकार में मंत्री रह चुके डॉक्टर शर्मा के सामने ही लोगों ने उनका विरोध करके उनको भगाया है, और लोगों ने जब नारे लगाए, पहले भगाया था गोरों को, अब भगाएंगे चोरों को। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, और वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी में सन्नाटा पसर गया है। दरअसल कृषि कानून, उसके बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बाबा जी ने गायों को छुट्टा छुड़वा रखा है, गौशाला के नाम पर किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद की जा रही हैं, इससे किसान काफी आहत है। और आज हमारे देश में आप लोगों ने देखा होगा कि जनता का वोट तो ले लिया जाता है, लेकिन जो वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं किया कर यानी नेता करते हैं, और इसी वजह से इनका विरोध हो रहा है। खैर, ये पहला वीडियो मैंने आपको दिखा दिया है। अगला वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं जो कि मेरठ से आ रहा है। यहां पर भी एक बीजेपी नेता को जनता ने किस तरह से दौड़ाया है, भगाया है, और किस तरह से जनता ने विरोध किया है, ये भी पहले आप देख लीजिए, उसके बाद इसकी भी चर्चा आगे हम करेंगे। आप देख सकते हो किस तरीके से संगीत सोम का विरोध किया जा रहा है। संगीत सोम का विरोध, ये हाँ संगीत सोम का विरोध दुराड़ा गाँव में भरपूर तरीके से दुराड़ा गाँव में संगीत सोम का विरोध बहुत अच्छे से विरोध, यहाँ पे आप देख सकते हो किस प्रकार से विरोध किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। दुराड़ा गाँव का अपना गाँव,
तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को भी देखा, ये वीडियो मेरठ के दौलाना में सरधना से आ रहा है, जहां पर बीजेपी विधायक संगीत सोम का भारी विरोध हुआ है। दमनकारी विभाजनकारी नीतियों का होगा अंत, आ रहे हैं ऐसा मतलब बहुत सारे नारे लगा करके जनता ने, और हम कहें कि आरएलडी हैं या समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने इनका विरोध किया है। बताया जा रहा है कि इसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी नेताओं का विरोध हो रहा है। और इससे पहले मैंने आपको पहला वीडियो जो दिखाया वो आपने बुलंदशहर का देखा, दूसरा वीडियो ये मेरठ का है, जहां पर संगीत सोम अक्सर अपने विवादित बयान विवादित फैसले को लेकर के संगीत सोम जाने जाते हैं, और हालांकि फेमस बहुत हैं, लेकिन इस बार जिस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के नेताओं की बनती जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि आगे की जो राह है बीजेपी की वो बहुत मुश्किल होने वाली है यूपी विधानसभा चुनाव से पहले। एक और वीडियो हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, ये वीडियो नहीं खबर है, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी को भी लोगों ने जूते चप्पल दिखा करके उनका विरोध किया है। आप पहले इस खबर को देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम में नेता वोट मांगने के लिए लोगों के घर घर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी जब नोएडा में भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। सेक्टर 17 में बताया जा रहा है कि झुग्गियों में पहुंचे झुग्गियों में वोट मांगने के लिए, और राजनाथ सिंह के बेटे जो हैं उनके समर्थन में वोट मांगने के लिए, तो लोगों ने उनका विरोध किया, मनोज तिवारी का विरोध किया, और विरोध कोई ऐसे वैसे तरीके से नहीं किया, बताया जा रहा है कि लोगों ने जूते चप्पल दिखा करके इनका विरोध किया है। यही नहीं, एक महिला वहां अखिलेश यादव का नारा लगाते हुए चली गई है। मनोज तिवारी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। नोएडा के जे कॉलोनी में बड़ी संख्या में पूर्वांचल और बिहार से आए लोग वहां पर रहते हैं। जब लोगों को पता चला कि मनोज तिवारी पहुंचे, उसके बाद क्या था, जो नजारा था वो आपके सामने है। अब आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेताओं का जब ये हाल है पहले चुनाव से, तो बाद में क्या होगा। एक और खबर की बात कर लेते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, एक दरोगा ने उत्तर प्रदेश के अंदर बताया जा रहा है कि खुले मंच पर बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। पहले दरोगा जी का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। इस समाज के लिए क्या पद दे रहा हूँ, इन बीजेपी वालों ने मेरा खून पी कर रखा था। कल अशोक पटाने जी का टेलीफोन आया, पटाने जी कहा ड्यूटी में हूँ, वोट किसे कर रहे हो, मगर जी थारे विधायक ने गाड़ी दे रहे हैं, हमें भी देगा गाड़ी भी दे रहे हैं, जब गाड़ी देगा तो क्या करें, भाई गाड़ी गाड़ी भी सुनाएंगे उसके, ऐसे वोट भी देंगे, बताओ कहाँ की बात है, अच्छी बात है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को भी देखा, जनसभा में वन विभाग के दरोगा ने अपना त्याग पत्र दे दिया, और उस त्याग पत्र देने के पीछे की जो मेन वजह थी वो उन्होंने बताया है कि जो बीजेपी के नेता है वो उनका खून पी रखा है, उन्होंने जबरदस्ती वोट मांगते हैं और धमकी देते हैं। संगीत सोम पर भी इन्होंने धमकी देने का आरोप लगाया है, और विधायक हैं बीजेपी के संगीत सोम। अब आप समझ सकते हैं कि जब दरोगा जैसे पद पर बैठे हुए अधिकारी को धमकी देकर के जबरदस्ती वोट मांगते हैं, उनसे जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, जबरदस्ती उनसे मतलब जो है जो वो नहीं करना चाहते वैसे काम लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर भी क्या है। आपकी अपनी इस पर क्या राय, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।